सुप्रभात विद्यार्थी मित्रों, हमने लास्ट वीडियो में देखा था बीमा के प्रकार और बीमा का निजीकरण। आज हमारा अगला धंधा की सेवा है डाक सेवा। जो डाक सेवा वह लिखित सूचना संचार के लिए एक महत्वपूर्ण साधन है। डाक सेवा के द्वारा लिखित सूचना संचार हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं। डाक सेवा द्वारा सूचना एक स्थान से दूसरे स्थान तक शीघ्रता से पहुंच सकती है और इसे निजी धंधे में डाक का उपयोग भी कर सकते हैं या आंगनवाड़ी का सेवा का भी प्राप्त कर सकते हैं। भारत सरकार में डाक विभाग के द्वारा एक ऐसी सेवा व्यक्ति और धंधा की इकाई के ओर प्राप्त की जाती है, यानी भारत सरकार द्वारा डाक सेवा यह व्यक्ति को और धंधा की इकाई को भी प्राप्त हो सकती है। यानी हमारे जैसे नॉर्मल पर्सन में जो धंधा नहीं चलाते, हमारा कंपनी वंपनी नहीं है, तो भी हम डाक सेवा का उपयोग ले सकते हैं और धंधा की इकाई को भी यह सेवा प्राप्त होती है। 150 वर्ष से अधिक भारत सरकार डाक विभाग डाक सेवा के अतिरिक्त बहुत सारे सेवाएं प्रदान करता है, यानी 150 वर्ष से भी अधिक डाक सेवा और डाक विभाग का उपयोग किया जा रहा है, उसका अभी तक वो उपयोग में आ रहा है, सेवा प्रदान की जा रही है। जैसे कि मनी ऑर्डर है, बहु बचत है, फंड का विनियोग है, डाक जीवन है, ग्रामीण जीवन है, इत्यादि ऐसी अनेक सेवाओं का उपयोग किया जा रहा है डाक विभाग के द्वारा और डाक सेवाओं के द्वारा। इसमें निवृत्त पेंशन को चुकाने के लिए भी कार्य किया जाता है, यानी कोई व्यक्ति किसी कंपनी में से किसी का धंधा की इकाई में से निवृत्त हो गया हो या उसको निकाल दिया गया हो या निकल गया हो, तो उसको जो पेंशन प्राप्त होती है वो भी हम डाक विभाग से उसका सेवा का उपयोग करते हैं। अभी इसमें बैंकिंग सेवा का भी डाक विभाग में बैंकिंग सेवा का भी उपयोग होता है, यानी बैंकिंग बैंक के जो अन्य कार्य हैं मनी ऑर्डर है ऐसे अन्य कार्य जो है वो भी डाक विभाग के द्वारा किए जाते हैं। डाक विभाग की भारत में 150,000 से भी अधिक पोस्ट ऑफिस है। 150,000 से भी डाक विभाग की पोस्ट ऑफिस है, जिसमें से 90% ग्रामीण विस्तार में पोस्ट ऑफिस है। अभी हम देखेंगे इसके अन्य प्रकार, जैसे फर्स्ट है सामान्य डाक पत्र। सामान्य डाक पत्र में भेजने वाले सूचना पत्र या लिफाफे के रूप में भेजी जाती है। सामान्य यानी कि जो भी सूचना भेज रहे हैं वह एक पत्र होता है या तो एक लिफाफे के स्वरूप में भेजी जाती है। पंजीकृत डाक यानी रजिस्टर्ड पोस्ट। डाक विभाग पंजीकृत अर्थात रजिस्टर्ड पोस्ट की सेवा देता है। पंजीकृत डाक जिसको भेजी गई हो उसी को डिलीवर होती है, यानी जिसको हम भेज रहे हैं इस प्रकार में जिसको डाक भेजी जा रही है उसी को प्राप्त होती है। इस सेवा के लिए सामान्य डाक की तुलना में अधिक मूल्य चुकाना पड़ता है, यानी सामान्य डाक हम जो भेजते हैं उसकी कम मूल्य होती है, और यदि हम इस डाक पत्र इस विभाग इस रजिस्टर पोस्ट के द्वारा हम पत्र भेज रहे हैं सूचना संचार कर रहे हैं तो उसका मूल्य अधिक हो जाता है। अगला है पार्सल सेवा। वस्तु के परिवहन नियम द्वारा प्रतिबंध न हो ऐसे सभी वस्तुओं एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थान पर भेजी जा सकती है। पार्सल सेवा तो आप भी जानते ही हैं कि पार्सल एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है, यानी कोई वस्तु का एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा जाना। आवश्यकता अनुसार पार्सल बीमा भी करवाया जाता है, यानी धंधा की इकाई के द्वारा पार्सल में
यदि कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रही है तो उसका बीमा भी करवाया जाता है। किसी पोस्ट ऑफिस में पार्सल की बुकिंग भी की जाती है, यानी पार्सल भेजने से पहले उसकी बुकिंग की जाती है। सामान्यतः पार्सल भेजने वाले भेजने के शुल्क पोस्ट को चुकाता है। यानी इसमें भी जो पार्सल भेजना है, जो हमको यह सेवा का उपयोग लेना है उसकी सेवा का, तो इस सेवा में पार्सल का जो शुल्क होता है, रकम होती है, वो भी चुकानी पड़ती है। अगला हमारा है, इसको हम VPPP कहते हैं, वैल्यूएबल पोस्ट, जिसमें उत्पादक पार्सल, इसमें उत्पादक जैसे आप जानते होंगे कि अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट में जैसे आपको पार्सल मिलता है और आप उस पार्सल को लेके उसको पैसे चुकाते हैं, तो ये एक प्रकार का ये भी सेवा में समावेश होता है। जैसे उत्पादक बेच रहा है और लेने वाला लेकर फिर उसकी शुल्क चुकाता है। स्पीड पोस्ट और पार्सल डाक विभाग भारत में निश्चित स्थान के लिए शीघ्र डाक को पार्सल और सेवा निर्धारित समय में डिलीवर हो जाती है। स्पीड से हम ये समझ सकते हैं कि यह डाक सेवा हमको जल्दी से प्राप्त हो जाती है समय से पहले। इस विश्वास के साथ स्वीकृत किया जाता है कि कोई भी सेवा का उपयोग करने से पहले व्यक्ति उसका तुरंत हो जाए, इस विश्वास के साथ ये सेवा का उपयोग में लिया जाता है। स्पीड पोस्ट के लिए सामान्य विभाग सामान्य डाक की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ता है। अभी यहाँ पर आप देख रहे हो कि स्पीड पोस्ट है कि स्पीड से डाक पहुँचाया जा रहा है, तो आप इसमें से समझ सकते हो कि जल्दी काम करने के लिए हमें जल्दी भी पैसा चुकाना पड़ेगा, तो इससे जो पैसा चुकाना पड़ता है, जो रुपए देने पड़ते हैं, वो इन सामान्य जो हमने ऊपर देखे हैं सेवा, उससे अधिक होता है। अब हमारा अगला है एक्सप्रेस पार्सल की सेवा व्यक्ति और धंधा की इकाई दोनों के लिए उपलब्ध है। ये जो पार्सल है वो व्यक्ति यानी नॉर्मल आम आदमी के लिए और धंधा की इकाई के लिए भी उपयोग में लाई जा सकती है। एक्सप्रेस पार्सल नियत की गई समय अवधि के अति शीघ्र से पहुंचाई जाती है, यानी जो अवधि प्राप्त हो कि इस अवधि में यह पार्सल यहाँ पर पहुंच जाएगा, उस हिसाब से उसी स्पीड से वो वहाँ पर पार्सल पहुंच जाता है। यानी जो अवधि दी जाती है कि 5 दिनों में पहुंच जाएगा, वो 5 दिनों में शीघ्र से पहुंचाया जाता है। डाक विभाग इसके लिए हवाई मार्ग अथवा सबसे शीघ्र प्राप्त हो ऐसे मार्ग का भेजा जाता है। यानी हमको एक्सप्रेस पार्सल में क्या होता है कि हमको जल्दी से समय अनुसार पार्सल पहुंचाना है, तो उसलिए वह हवाई मार्ग का भी उपयोग करती है या सबसे जो अधिक जल्दी पहुंचाए ऐसे मार्ग का उपयोग करके वह पार्सल पहुंचाती है। इसका शुल्क भी अधिक होता है क्योंकि ये तुरंत और जल्दी, जैसे मैंने बताया था आपको कि एक्सप्रेस पार्सल में जल्दी से मार्ग पहुँचाया जाता है, तो जितने जल्दी से मार्ग पहुँचाने के लिए जो जो मार्ग का उपयोग किया जाता है उसके अनुसार हम ये अनुमान लगा ही सकते हैं कि इसका भी शुल्क अधिक होगा। यानी सामान्य जो भी हमने ऊपर पार्सल की सेवाओं के विषय में अभ्यास किया उससे भी ये शुल्क में अधिक होता है, यानी इसकी भी शुल्क अधिक भरनी पड़ती है। हमारा अगला है बचत सेवा। डाक विभाग बैंक की तरह बचतकर्ताओं के विविध प्रकार की सेवा प्रदान करता है। यानी डाक विभाग की तरह ही बचत सेवा है वो अधिक बचतकर्ताओं को, यानी जो बचत करने के लिए उसमें विनियोग करता है, मतलब धारक होता है, बचत करता है, उनको यह अनेक प्रकार की सेवाएं प्रदान करता है। बचत खाता 5 वर्षीय रिंगिंग
बचत खाता है, 5 वर्षीय रिंगिंग डिपॉजिट है, समय आधारित संचय है, मासिक आय योजना है और 15 वर्षीय सार्वजनिक भविष्य निधि है, राष्ट्रीय बचत पत्र है, 5 से 10 वर्ष की समय अवधि के लिए किसान विकास पत्र है और ऐसे अधिक इत्यादि सेवाओं का उनको सेवाएं दी जाती है बचत सेवाओं के द्वारा। बचत खाता यदि कोई व्यक्ति खुलाता है तो उनको एक पासबुक भी मिलता है और चेकबुक मिलता है और एटीएम भी मिलता है, यानी जैसे हम बैंक में कार्य करते हैं वैसे इसका कुछ भाग बचत सेवा में और बचत खाते में भी हमको देखने को मिलता है। अगला है हमारा रिंगिंग डिपॉजिट योजना। इस योजना के अनुसार खाता खुलवाने वाले को प्रत्येक महीने प्रत्येक महीने की पहले से ही निश्चित स्थिति या पूर्व निर्धारित रकम भरनी पड़ती है, यानी जो भी इस नए व्यक्ति खाता खुलवाता है उसको एक निश्चित रकम भरनी पड़ती है, वो भी 1 महीने पहले। 5 वर्ष खाता परिपक्व होने के पर निश्चित ब्याज सहित खाता धारक को वापस मिलती है, यानी डिपॉजिट आप भोजन हो, कई लोग करते ही होंगे डिपॉजिट 500 रुपया 100 रुपया, ऐसे हम 5 वर्ष के लिए हम डिपॉजिट करवाते हैं। आपने म्यूचुअल फंड सुना ही होगा, उसमें हम डिपॉजिट करवाते हैं और 5 साल के बाद हमको ब्याज सहित वो रकम मिलती है, लेकिन ब्याज की भुगतान वार्षिक के आधार पर होती है। जैसे आपका वर्ष पूरा होता है, 5 वर्ष रुक जाते हैं, उसके बाद ही आपको ये रकम प्राप्त होती है। इसके लिए भी यदि आपको ये 5 वर्ष जो वर्ष की अवधि है पूर्ण हो जाती है, यदि आपको और भी उसको आगे करना है कंटिन्यू, तो उसके लिए आपको 5 वर्ष की और अवधि बढ़ा सकते हो। अब हमारा है टाइम डिपॉजिट। पोस्ट ऑफिस में सावधि जमा की तरह टाइम डिपॉजिट भी एक सेवा है, यानी पोस्ट ऑफिस में जो सावधि जमा की तरह टाइम ऑफिस भी एक सेवा प्राप्त की जाती है। टाइम डिपॉजिट में 1, 2, 3 या 5 वर्ष के लिए 200 अथवा उससे गुणा कितनी भी रकम जमा करवा सकते हैं। ब्याज की गणना 3-3 महीने की होती है, यानी उसका जो ब्याज प्राप्त होता है वो 3 महीने के हिसाब से होता है, लेकिन इसका ब्याज हमें वार्षिक के अंत में ही मिलता है। जैसे 5 वर्ष का करवाया और 5 वर्ष कंप्लीट होने के बाद ही हमको ये ब्याज मिलेगा और रकम मिलेगी। अगला है हमारा राष्ट्रीय बचत पत्र। विनियोगकर्ता किसी भी पोस्ट ऑफिस में नियत रकम चुकाकर राष्ट्रीय बचत पत्र खरीद कर सकते हैं, यानी ये राष्ट्रीय बचत से आप समझ सकते होंगे कि राष्ट्रीय बचत यानी राष्ट्र के अंदर किसी भी स्थान मतलब कोई भी पोस्ट ऑफिस के साथ हम जुड़कर ये राष्ट्रीय बचत खाता खुलवा सकते हैं। इन बचत पत्रों की समय अवधि 5 से 10 वर्षों की होती है और डाक विभाग से पहले ही ब्याज दर की सूचना दे देते हैं, यानी डाक विभाग उसकी जो बचत पत्र की जो ब्याज की सूचना है वो पहले से ही जो धारक है उनको दे देते हैं। 5 और 10 वर्ष की समय अवधि पूरी होने के बाद आवश्यक प्रक्रियाओं को कर पोस्ट ऑफिस उनकी रकम उनको दे देती है, यानी जैसे 5 वर्ष पूरा हुआ, 10 वर्ष पूरा हुआ, जितने वर्ष के हमने लिए ये खाता खुलवाया है बचत पत्र, तो वो पूर्ण होने के बाद डायरेक्ट हमको रकम प्राप्त हो जाएगी ऐसा नहीं होता है, उसके लिए भी एक प्रक्रिया होती है जिसको करने के बाद ही हमको रकम प्राप्त होती है। हमारा आगे है किसान विकास पत्र। किसान विकास पत्र में विनियोगकर्ता विनियोजित राशि यानी 100 मास की यानी 8 वर्ष और 4 महीने 100 वर्ष यानी 8 वर्ष और 4 महीने के बाद ब्याज सहित दुगनी मिलती है, यानी किसान विकास पत्र में जितनी रकम देते हैं वो ब्याज सहित दुगनी होके हमको
है, पर इनकी अवधि क्या होती है? 8 वर्ष और 4 महीने। किसान पत्र नियत रकम की प्राप्त हो सकती है वह परिपक्व की स्थिति पर आवश्यक प्रक्रिया करके पोस्ट ऑफिस में मूल रकम दुगनी प्राप्त कर सकती है। यानी इसको भी प्राप्त करने के लिए जितनी अवधि का ये होता है उतनी अवधि पूर्ण होने के बाद रुकने के बाद वह इसकी जो रकम होती है वो दुगनी मिलती है। पर उससे भी पहले जो कार्य होता है इन दोनों के बीच के कार्य में एक प्रक्रिया की जाती है जिसके द्वारा ही पोस्ट ऑफिस में जो रकम है वो दी जाती है। अगला है हमारा सार्वजनिक भविष्य निधि। सार्वजनिक भविष्य से आप क्या समझते हैं? सार्वजनिक यानी समाज में, इसमें है सार्वजनिक भविष्य निधि में अंतर्गत कोई भी व्यक्ति खाता खुलवा सकता है। यानी आप हो, हम हैं या कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक समाज में आता है वह खाता खुलवा सकते हैं। इस खाते की अवधि सिर्फ 15 वर्ष की होती है और खाते की वार्षिक के आधार पर कम से कम 500 रुपये भर सकते हैं। यानी जो सार्वजनिक भविष्य निधि है उसकी 15 वर्ष की अवधि होती है और उसमें जो कम से कम रकम है यानी शुरुआत की रकम है 500, यानी 500 से ही वो स्टार्ट कर सकते हैं। यह खाता 15 वर्ष के पश्चात परिवर्तमान नियम के अनुसार एकदम 5 वर्ष के लिए कितनी बार भी बढ़ाया जा सकता है। यानी 15 वर्ष का पहले खाता खुलता है, यानी वो स्टार्ट ही 15 वर्ष से होता है। आप और हम ये बोलेंगे कि मुझे 5 वर्ष के लिए खुलवाना है, 5 साल के लिए खुलवाना है, तो ऐसा नहीं हो सकता। उसका स्टार्टिंग ही है 15 वर्ष। अगर आपको 15 वर्ष से भी आगे चलाना है यानी और बढ़ाना है तो आप उसको बढ़ा सकते हो क्रिया करने के बाद। यानी आपको 20 साल रखना है, 20 वर्ष तक रखना है, तो आप 15 करके वो पूर्ण हो जाए उसके बाद प्रक्रिया करके 5 वर्ष की और अवधि बढ़ा सकते हैं। 15 वर्ष से पूर्ण इस खाते को बंद नहीं किया जा सकता। यानी इसमें एक यह भी समस्या है कि यदि हमारी कंडीशन नहीं है, हम नहीं भर सकते, ऐसे करके छोड़ दिया, तो ऐसा नहीं होता। यह हमको 15 वर्ष तक कंटिन्यू करना पड़ता है और उससे पहले हम बंद नहीं करवा सकते। खाताधारक की मृत्यु हो जाए तो खाताधारक को उत्तराधिकारी को यह रकम मिल सकती है। यानी यह रकम समझ लो 15 वर्ष पूर्ण हो गए और कोई व्यक्ति ने खाता खुद खुलवाया था और भरा था, पर उसकी तो 15 वर्ष पूर्ण होने के बाद ही मृत्यु हो गई, मर गया वो, तो वो रकम ऐसे नहीं है कि किसी को नहीं मिलेगी, लेकिन उसके उत्तराधिकारी को मिलेगी। जैसे कि किसी के पिताजी ने खुलवाया है, यदि पिताजी का मृत्यु हो जाती है तो उसके बेटे को यह रकम मिलेगी, बेटे को या बेटी को, या बेटे ने करवाया है तो पिताजी को मिलेगी, ऐसे उत्तराधिकारी को इसकी रकम प्राप्त हो जाती है। अगला है हमारा पोस्टल बीमा। भारत की आज़ादी के पूर्व कल्याण योजना के रूप में पोस्टल बीमा का प्रारंभ हुआ था। यानी जैसे आज़ादी हुई थी यो पूर्ण और कल्याण योजना स्टार्ट हुआ उसके ऊपर ही, उसके रूप में ही यह पोस्टल बीमा शुरू किया गया। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कर्मचारी अतिरिक्त अर्ध सरकारी संस्था के कर्मचारी यह सेवा प्राप्त कर सकते हैं। यानी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के अतिरिक्त अर्ध यानी जो पूरे सरकारी कर्मचारी हैं वह भी और अर्ध सरकारी कर्मचारी हैं वह भी इन सेवाओं का उपयोग किया जा कर सकते हैं। पोस्टल बीमा में जीवन बीमा की विविध प्रकार की पॉलिसी मिल सकती है। यानी पोस्टल बीमा में भी जीवन बीमा का लाभ उठाया जा सकता है। पोस्टल बीमा की सेवा बड़ी विशेषता और उसकी बड़ी विशेषता क्या है कि कम से कम प्रीमियम पर पॉलिसी पर अधिक से अधिक बोनस मिलता है। यानी जो पोस्टल बीमा है उसमें ये भी बेनिफिट है कि कम से कम प्रीमियम पे उसको अधिक से अधिक बोनस प्राप्त होता है। हमारा अगला है मासिक आय योजना। विनियोगकर्ता को प्रतिमाह ब्याज की रकम मिल सके ऐसा उद्देश्य यह योजना में उपयोगी है। यानी मासिक आय से हम ये समझते हैं कि महीने महीने में हमको आय हो, प्राप्त हो, तो उसमें क्या हो
करता है उसको महीने महीने में ब्याज की प्राप्ति हो। इस योजना के अंतर्गत व्यक्तिगत रूप से और दूसरे व्यक्ति के साथ संयुक्त नाम से खाता खुलाया जा सकता है। इसमें दूसरी ये भी विशेषता है कि एक व्यक्ति या दो एक से ज़्यादा व्यक्ति के संयुक्त नाम से भी खाता खुलवा सकते हैं, यानी दो व्यक्ति भी नाम से खाता खुलाया जा सकता है। ऐसा खाता जो 5 वर्षीय समय अवधि खुला जाए, इसमें क्या होता है कि 5 वर्ष की ही अवधि होती है। आवश्यकता अनुसार एक पोस्ट ऑफिस से दूसरे पोस्ट ऑफिस के खाता स्थानांतरण किया जा सकता है। इसमें दूसरी ये भी विशेषता है कि यदि हमको कोई एक हमने यहाँ पर खुलाया एक जगह से खुलाया और हमको दूसरी जगह शिफ्ट होना है तो एक स्थान से हम दूसरे स्थान में पोस्ट ऑफिस का भी स्थानांतरण कर सकते हैं, हमारे खाता का भी स्थानांतरण कर सकते हैं। पोस्ट ऑफिस का तो नहीं कर सकते लेकिन हमारा खाता का तो कर सकते हैं, एक जगह से दूसरी जगह। आवश्यकता हो तो 1 वर्ष के बाद कुछ शर्तों के अधीन विनियोगकर्ता रकम वापस ले सकता है। इसमें यह भी बेनिफिट है कि रकम अगर कोई व्यक्ति विनियोग कर रहा है तो उसको रकम अगर कोई समस्या आ गई तो वो रकम की मांग करे तो वो रकम कोई प्रक्रिया बीच की प्रक्रिया करके वो रकम वापस प्राप्त कर सकता है। हमारा अंतिम है सेकेंड लास्ट मनी ऑर्डर। मनी ऑर्डर पोस्ट ऑफिस के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पैसे भेजने की संस्था है। मनी ऑर्डर से तो आप परिचित होंगे कि इधर एक स्थान से दूसरे स्थान तक हमको पैसे भेजने हो तो मनी ऑर्डर के द्वारा भेज सकते हैं, तो इसमें यह व्यवस्था की जाती है। इस सेवा के लिए पोस्ट ऑफिस को कमीशन देना पड़ता है। अभी मनी ऑर्डर हम सुरक्षित भेजना है तो उसके लिए पोस्ट ऑफिस को भी कमीशन देना पड़ता है। जिस व्यक्ति को रकम भेजनी हो उस व्यक्ति की रकम में मिलने के बाद रसीद को हस्ताक्षर करना पड़ता है। अब पार्सल हो या कोई भी कुरियर हो तो उसमें हमारा तो ये तो रूटीन ही होता है कि जिसको हम माल पार्सल दे रहे हैं डाक दे रहे हैं तो हम उसे सिग्नेचर करवाते हैं, हस्ताक्षर करवाते हैं। तो मनी ऑर्डर में भी एक कार्य होता है कि जिस नाम से हमने मनी ऑर्डर भेजा है, जिस व्यक्ति को भेजा है उस व्यक्ति को मनी ऑर्डर प्राप्त हो तो उसे हम उस पर एक रसीद मिलती है, उस पर हमको साइन करवानी होती है, मतलब हमको जो डाक विभाग है उनको साइन करवानी होती है। वह रसीद रकम भेजने वाले को पहुंचा दी जाती है, यानी मैंने अगर किसी को मनी ऑर्डर किया है एक्स पर्सन को तो एक्स पर्सन ने जो मैंने रसीद भेजी थी वो एक्स पर्सन ने उसको सिग्नेचर कर दी, फिर वो रसीद फिर से मेरे पास पहुंच जाती है उनके द्वारा। डाक विभाग द्वारा ऑनलाइन टेक्नोलॉजी का उपयोग करके IMO यानी इंस्टॉल मनी ऑर्डर प्रारंभ किया गया था, जिसमें 1,000 से 50,000 तक की रकमें भारत में एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजी जा सकती है। यानी IMO द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक मनी भेजा जा सकता है, जिसकी रकम निश्चित होती है कि 1,000 से 50,000 तक के अंदर ही हमको मनी ऑर्डर करना है। दूसरा है EMO। EMO का भी प्रारंभ किया गया था जिसको हम ई मनी ऑर्डर भी कहते हैं। इसमें हमें 1,001 रुपये से 5,000 तक की रकम ही निर्धारित होती है जो हमको मनी ऑर्डर में कर सकते हैं। और दूसरा है जो ई मनी ऑर्डर है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जल्दी से भी पहुंच जाता है, 24 घंटों में पहुंच जा सकता है। और उसके लिए हमें ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करना पड़ता है, ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ता है और 24 घंटों में हम यह जो रकम है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेज सकते हैं और जिसको भेज रहे हैं उनके पास भी पूरी डिटेल्स पहुंच जाती है। हमारा लास्ट है अन्य गौण की सेवा। अन्य गौण की सेवा में आपने जो देखा यहाँ पर सेवा सामान्य डाक, पंजीकृत डाक, पार्सल सेवा, स्पीड पोस्ट, एक्सप्रेस पार्सल, बचत सेवा।
यहाँ से यह गौण सेवा में सभी सभी सेवा को समावेश होता है। रिंग डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट, राष्ट्रीय बचत, किसान विकास पत्र, सामाजिक भविष्य निधि, पोस्टल बीमा, मासिक आय योजना, मनी ऑर्डर इत्यादि, इन सब का जो है अन्य गौण की सेवा में समावेश होता है। डाक विभाग के मालिक भारत सरकार की है, यानी जो डाक विभाग है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, भारत सरकार के द्वारा, वही उनके मालिक है। लोग डाक विभाग पर अधिक विश्वास दिखते हैं, इसी वजह से लोग डाक विभाग पर अधिक भरोसा दिखाते हैं। हाँ, और हमारे जिंदगी में हमने कितने सारे डाक विभाग में उपयोग उठाए होंगे, जैसे हमारा रिजल्ट आता है वो भी डाक विभाग में आता है, हम कुछ मंगवाते हैं वो भी डाक विभाग के द्वारा आते हैं, मनी ऑर्डर है वो भी डाक विभाग के द्वारा आता है। इसी प्रकार हम डाक सेवा का अधिक उपयोग उठाते हैं। तो आज हमने पढ़ा बीमा नियामक और विकास का प्राधिकरण और डाक सेवा की कुछ सेवाएं जो 15 है, और डाक सेवा है जो 150 वर्षों से ही चलती आ रही है, और इसमें 150,000 से भी अधिक पोस्ट ऑफिस भारत में पाए जाते हैं, जिसमें से 90% हमारे पोस्ट ऑफिस है वो ग्रामीण विस्तार में पाए जाते हैं। इसी प्रकार आज हमने बीमा और डाक सेवा के विषय में अभ्यास किया। आज का आपका होमवर्क है कि कोई भी एक डाक सेवा है जो आपने अपने जिंदगी में उपयोग किया है, उपयोग में लाया है, वह यानी व्यक्तिगत डाक सेवा